यहाँ पर माला का एमरस है, यहाँ पे दाल बनाने के लिए आज का ये कर रहा हूँ मैं। पीछे इन्होंने आर्टिफिशियल स्नो एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे आर्टिफिशियल स्नो है, यहाँ पे सभी सारी आर्टिफिशियल स्नो है। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं 210 दिरहम पे करते हैं और अंदर जाके एंजॉय कर सकते हैं। अंदर पेंगुइन है, छोटे छोटे उन्होंने जो होते हैं पेंगुइन वो हैं, सभी वैसे ही आप वो स्नो के बॉल्स बना के आप उनके साथ खेल सकते हैं। अभी मैं आया हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स में, यहाँ पे इन्होंने ये आर्टिफिशियल स्नो एरिया बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। छोटे से एरिए में इन्होंने सभी टच दिया हुआ है, जो स्नो में होता है ना, ये देखें। इसकी फ़ी है 210 दिरहम, सॉरी वो बोल जाता हूँ क्या, मैं दुबई में आ चुका हूँ तो ये देखें। फुल आप वही फील ले सकते हैं जो होते हैं ना वहाँ पे। साथ में रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का साथ यहाँ पे आप वही फील ले सकते हैं, खाना खाएं और साथ में एंजॉय करें। सभी जो ये वाइट जो पड़ी है सभी स्नो है, ये आर्टिफिशियल स्नो बनाई है। तो 110 दिरहम पे करें और चाहें जाके इंजॉय करें। बहुत अच्छी अट्रैक्शन प्लेस है ये, विजिटर आते हैं यहाँ पे और इंजॉय करते हैं। इन्होंने ये देखे ना, सभी ने ये देखा, सभी ने सूट एक जैसे पहने हुए हैं। आई थिंक सो यहाँ पे जाने के लिए पहले वो सूट देते हैं, यहाँ पे ट्रैक सूट आई हैं तो वो पहन के फिर आप जा सकते हैं यहाँ पे अंदर। आई थिंक सो अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी, -10 तो होगा अंदर। स्नो पंपर्स जी है, दुबई गवर्नमेंट ने जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाई हुई है। इस तरह जो कौम है जिन्होंने पैसा अर्न करना होता है, इस तरह के वो टूरिस्ट प्लेस बनाती हैं और पैसा अर्न करते हैं। बाकी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो साथ में यहाँ पे अटैच कर दूँगा इसके साथ। देखिए सभी ने वो कोट वगैरह पहने हुए हैं, so tell me to do now, make it be tell me to now।
के बीच में तू ना شدی همه چیزم.